The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Tad Kong Lam and make your AutoCAD 2D 3Ds max. Dreams come true. Download the app now. इसको हमने क्या करा? जहां पर जो चीज हम डिजाइन करेंगे उसको हम मेंशन करते हुए चलेंगे प्लान। दूसरा हमारा होता है पार्ट जो कहलाता है रेंडर प्लान, और रेंडर प्लान का मतलब होता है कि किसी चीज की इंफॉर्मेशन देना उसके मटेरियल्स के बारे में। तो इस वाले सेक्शन में हमें सिर्फ एक चीज ये करना होती है कि सिंपल हमें अपने प्लान को कॉपी करना है और जितने भी पैटर्न है हमारे सबको रिमूव कर देना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक्चुअली दिखाना है ऑब्जेक्ट के मटेरियल को कि हमने कौन सा मटेरियल लगाया है। फोटोशॉप जो लोग करते हैं उनको पता होता है कि रेंडर प्लान का मतलब क्या होता है। रेंडर प्लान एक्चुअली प्रेजेंट करना, मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन देना। अब लाइक हमारी वॉल है, तो वॉल हम यहाँ पर हम कोई भी एक डिफरेंट कलर चूज कर सकते हैं। कोई भी कलरफुल नहीं देना है, हर एक चीज को बहुत कॉम्बिनेशन के साथ में देना है। वॉल को हमने यहाँ पर फिल कर लिया, ट्रांसपेरेंसी अपने अकॉर्डिंग मेंशन करी, विंडो आप मेंशन करना चाहते हो कुछ डिफरेंट यहाँ पर मेंशन करो, लाइक ये विंडो हमारी होगी वुड पार्ट में तो हमने इसको एज ए वुड ले लिया। और ये जो प्रॉब्लम्स आती है इसके लिए सिंपल रहेगा कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसको एरिया को क्लोज कर लो। अगेन जीटी एंटर, एक एक चीज को फोकस करते हुए चलना, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। बात आती है फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग हमारी ये थी, कलरफिल करने से अच्छा क्या है कि हम यहाँ पर उसको बताएंगे इसी चीज को कॉपी करके इस पॉइंट। इसमें बस हम इतना करेंगे जो ट्रांसपेरेंसी लाइट करी थी उसे हम उसे डार्क कर देंगे, सिंपल। दूसरा, जो हम लोग फर्नीचर्स जो आइटम्स में हम लोग मेंशन कर रहे हैं मटेरियल्स को, वो हमें देना पड़ेगा। लाइक साइड टेबल हमारी वाइट कलर की है तो हम कुछ भी एक इफेक्ट ले लेते हैं कुछ थोड़ा सा मैच करता हुआ, कुछ डार्क शेड एंड दिस वन अगेन सेम वही चीज रिमूव कर दो। और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके क्लोज करो। जब जल्दी में सारी चीजें क्रिएट करी जाती हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स हमारे रह जाते हैं तो उनको हम लोग इस तरह मेंशन कर सकते हैं। दूसरा हम आते हैं जैसे कि बेड वगैरह या कारपेट वगैरह अगर आपको देने हैं, आप अपना खुद का कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो चीज जैसी इमेज में दी है कोशिश करनी है कि उसको शेड्स के साथ मेंशन करना। यहाँ पर हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट का शेड है तो इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करेंगे, स्केल को हम यहाँ पर चेंज करेंगे, एंटर। अगेन कलर इफेक्ट डार्क, और कलर यहाँ पर देना चाहे तो दे सकते हैं हम लोग। कलर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कलर के साथ लाइक कॉम्बिनेशंस क्रिएट करना कि क्या क्या शेड्स हम दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत लाइट, एंटर। बेड के हम मेंशन कर सकते हैं, टीवी यूनिट हमारी यहाँ पर सॉलिड वुड हम इसको यूज करेंगे तो हम इसको एज ए सॉलिड वुड वहां पर मेंशन करेंगे, एंटर। मैं यहाँ पर रिमूव करके नाम मेंशन कर लूंगा, लाइक दिस इज टीवी यूनिट, कोई भी साइज। मैं सिर्फ ये पहले से मैंने कॉपी पेस्ट करा था तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। एंड प्लेस। दूसरा, फ्लोरिंग हमारी बेड को हम दे सकते हैं कुछ डिफरेंट कलर के साथ, शेड्स को क्रिएट करो, एंटर। ये हो गया हमारा रेंडर प्लान विद मटेरियल्स, जिसमें हम लोग मटेरियल्स को मेंशन करेंगे और इसी की मैं कॉपी क्रिएट करके यहां पर मेंशन कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड रेंडर प्लान। समझ
साइज आप कोई भी अपना चूज कर सकते हैं, मूव एंड मैच, हर चीज इक्वल वे में। ये दोनों टास्क हम दोनों इधर साइड में मेंशन कर देंगे। ये हो गया हमारा एक पार्ट, इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया कुछ लाइक कोई भी एक साइज के साथ में। सेलेक्ट एंड शीट पे मेंशन करना है, शीट पे मेंशन कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड मूव नंबर दो चीज। अब बात आती है हमारी किस चीज की, एलिवेशन की। वही प्रोसेस जो हम आर्किटेक्चर में यूज करते आ रहे हैं उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं साइड में लेके आता हूं। सबसे पहले हमने यहां पर चार एलिवेशन को क्रिएट करा है जो हम मेंशन करेंगे, E1, E2, E3। पहले हम E1 को लेकर चलते हैं, सेम एक्सेल एंटर वी एंटर 1, 2। पहले एक बेसिक, सिर्फ एक लिमिट लेनी है, फाइनल एक साथ सारी चीजें नहीं लेके चलनी है, ठीक है। देन एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम एंड फ्लोरिंग, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम हम यूज करेंगे, टाइल्स मटेरियल हम यूज करेंगे, स्कर्टिंग मटेरियल यहाँ पर उसका ऑफसेट, उसको बाद में मेंशन कर सकते हैं, इशू नहीं है। हमारा जो साइज है वो साइज एंड एक्सटेंड, ये हमने एक लिमिट मेंशन कर दी कि जिस पे हमने काम करा। अब आती है बात हमारी कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। मैंने कहा 1, 2, 3 एंड 4 चार ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है। साइड में देखते हैं टीवी यूनिट को, साइड टेबल को, साइड टेबल्स को मैंने देखा। इसके बाद इसका आइडिया लिया, कैसा आइडिया जो हमने यहाँ पर मेंशन करा है। अब हमने हाइट अपनी स्टैंडर्ड ले ली जो हम लोग लेके चलते थे, उसी टेबल में से हम लोग लेंगे कि कितने पे आपको काम करना है। आप अपनी कोई भी एक हाइट यहाँ पर ले सकते हो। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम एंड डिलीट, इसी चीज को मैं पहले फाइनल करूंगा उसके बाद इसमें आगे काम करना। कलर इफेक्ट मैं लेयर पे काम नहीं कर रहा हूँ, समझ जाना, लेयर को बनाते हुए चलना हर एक को अलग अलग, ताकि दिक्कत ना हो वर्किंग करने में बिल्कुल भी, ठीक है। डिजाइन्स की बात करते हैं, हमारे पास ये बोर्ड यूज करा गया है 1, 2, 3, 4, 4। मैंने इसको ज्वाइन करा और थिकनेस ले ली। सेकेंड हम आते हैं, अब इसको मैं करूंगा एक्सप्लोर एंड एक्सटेंड दिस वन, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्योंकि इसके पीसेस वाइज लेके वहां पर यूज करा जाएगा। और उसके बाद हम इसमें देंगे पार्टीशंस, हर एक चीज को जिस तरह जो चीज होनी चाहिए ऑफसेट एंड डिलीट। साइज ग्रुपिंग का हम लोग ले सकते हैं, डिपेंड करेगा, एंड डिलीट सेम चीज देखे हम तो यहां पर हल्का सा गैप दिया हुआ है, मेंशन करना इंपॉर्टेंट है ताकि पता चले कि हमारा क्या कंडीशंस होगी इसकी, और इमेज में ये सारी चीजें उन्होंने क्लियर करके रखी हैं। ये कुछ इस तरह टाइप, कुछ लोग नहीं देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हर एक चीज को क्रिएट करना है। अब डिजाइन्स, एक बात और इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने ये तो एक रेफरेंस के बेसिस पे काम कर रहे हैं। आप
अपना कोई भी एक डिफरेंट एलिवेशन डिजाइन करोगे, वहां पर कोई भी डिजाइन ले सकते हो, कुछ डिफरेंट डिजाइन भी ले सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। एक मॉडर्न लाइक एग्जाम्पल है, कोई भी साइड टेबल्स के जो मार्केट में डिजाइन है उनके बेसिस पे कर सकते हो। बहुत सारी कंडीशन है, ऐसा कोई इशू नहीं है। सबको सेलेक्ट करा हमने, मूव करा दिया। इसके बाद हमने एक REC रेक्टेंगल डी एंटर एक्सप्लोर करा, कुछ हम डिफरेंट यहां पर देना चाहते हैं तो डिजाइंस। अच्छा एक बात, ब्लॉक को कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लॉक को यूज करते हैं। देखो ब्लॉक को हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये होगी कि जो ऑब्जेक्ट हम मेंशन कर रहे हैं वो अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ इनकेस, प्रॉब्लम तब आती है। इसलिए हमें उस चीज को इग्नोर करना पड़ता है। एज ए डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर हम दे देते हैं कि ठीक है अच्छा लग रहा है, बट वो चीज गलत होती है। दो चीज बना रहे हो, सब कुछ ज्वाइन करते हुए चलो ताकि कलर वगैरह फिल करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपना साइड मुझे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास लिमिट है ऑलरेडी, और इसके जो हैंडल हैं डॉल वगैरह के वो इम्पोर्टेंट क्या, हम कुछ भी ले सकते हैं। एग्जांपल हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम ऑफसेट ले सकते हैं, यहाँ से हम एक ऑफसेट ले सकते हैं। ट्रिम ये पार्ट, हैंडल के भी डिजाइन आप चाहो तो क्रिएट कर लो या आपके पास होने चाहिए, आप उनको ले भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे डिजाइन देना चाहते हो, ठीक है। और अगर टाइम टेकिंग, वैसे तो कहा तो यही जाता है कि टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम डिजाइनिंग में नहीं होना चाहिए वेस्ट, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह। एक तरीका और है वो मैं आगे बताऊंगा कि इसको हम एक रेफरेंस के थ्रू शो कराएंगे, वो क्या प्रोसेस होता है वो भी हम देखेंगे इसको, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, एक्सेल एंटर वी एंटर नॉट दिस पॉइंट, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर दो एंड डिलीट कर दो। अब आती है इसकी डिजाइन की बात, कोई भी ब्लैक डिजाइन जिस पे काम करना है, जो एक्चुअल मेंशन करना है बेड, उसको सिलेक्शन करने के बाद ये एक रेफरेंस इमेज जो हमें रेफरेंस जो हम क्लाइंट को दिखाएंगे, जो वो पसंद करेगा उसके बेसिस पे हम मेंशन करेंगे। तो वही चीज या तो आप मेंशन कर सकते हैं, या देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि आपको वही डिजाइन ही देना चाहिए जो आपने फाइनल करा है। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ भी मॉडल वगैरह लेके प्लेस कर देते हैं, ये थॉट हमने यहां पर दे दिया, ठीक है। अब वही चीज जो हमेशा दिक्कत होती है कि आप हर एक का एक स्पेसिफिक ब्लॉक वगैरह लेके चलेंगे, भी टाइम टेकिंग वाला पार्ट होगा, लेकिन जब आप इसमें कलर वगैरह फिल करेंगे तब आपको काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। यहां से मैं कुछ लाइंस ले लेता हूं, इसको भी हम एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक हैं बट मैं उनको यूज नहीं करना चाहता। सेलेक्ट एंड मिरर, बेड बैक की डिजाइन की बात करते हैं, हाइट लेंगे और मेशन करेंगे। कितना करना है जो डिजाइन, वही चीज मैं यहां पे भी रिपीट करूंगा, जो डिजाइन हमारा दिया होगा
हम उसी पे ही काम करेंगे, वही इम्पोर्टेंट है कि बैड बैड ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हो तो आप उसको मेंशन करोगे उसी के बेसिस पे। ये मैंने इसको डिजाइन बनाया, सेलेक्ट करा, कॉपी करा, सर एरे ए आर एंटर एंड आइटम्स, आइटम्स इसके प्रेसिंग के हिसाब से, तो हमने यहाँ पर ले लिया अप्रॉक्स 15, एफ एंटर एंड क्लिक। उसी के जो हमारा जो डिजाइन है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस स्पेस प्लानिंग को हम यहाँ पर फॉलो कर चुके हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मॉडल्स डेकोरेट करने के लिए कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो फाइल्स मैं सेंड कर दूंगा, ताकि कुछ आइटम्स वगैरह आप अपने एज ए डेकोरेटिव आइटम्स प्लेस करके मेंशन कर सकें वहां पर। ठीक है, वॉल पे आते हैं, फोटो फ्रेम्स कुछ डिफरेंट हो सकता है, इसको हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इस वॉल को अगर डेकोर करना है तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चारकोल लूवर्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मिरर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सेंटर में लूवर्स एंड लेफ्ट राइट हम मिरर दे सकते हैं, पूरी वॉल डेकोर कर सकते हैं हम लोग कुछ ऐसी कोई भी एक रेफरेंस लेके, बट वो डिपेंड करेगा कि हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टार्टिंग में क्लाइंट से कि इस वॉल पे क्या क्या होगा, इस वॉल पे क्या होगा, उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। यहाँ पर हम ज्यादा कुछ नहीं, एक हम जैसे इसमें इन्होंने मेंशन करा है, हम एक फोटो फ्रेम मेंशन कर देते हैं बस। एंड देन मूव शैंडलियर हमारे पास इन्होंने यहाँ पर दी है, पेंडेंट लाइट्स वगैरह इन्होंने दिया हुआ है। इसमें नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइट्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी लाइट्स हम दे सकते हैं। लाइट्स की इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियल के साथ साथ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि लाइट्स कौन कौन सी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उनके नेम क्या होते हैं। एज ए इंटीरियर डिजाइनर ये चीज मस्ट है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर हम छोड़ चुके थे, उसको हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, ये लिमिट हमने मेंशन कर दी, और एक सेंटर लाइन देके वहां पर हम क्या चीज देंगे, वहां पर हम एक्यूरेट जहां पर जो चीज स्पेसिंग पे जितनी होनी चाहिए वो हमेशा गैप को मेंटेन करना, जिसे कहते हैं साइड लैंप, यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। ठीक है, साइड लैंप्स हम दे सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर पेंडेंट लाइट्स दे सकते हैं, या फिर कुछ और अदर लाइट्स हम इफेक्ट दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। तो इसके लिए फिर वही चीज ज्यादा बेटर रहेगी, मेहनत करने से अच्छा है कि आपके पास ब्लॉक्स होना इंपॉर्टेंट है इंटीरियर के, अगर इंटीरियर के ब्लॉक्स हैं तो बहुत अच्छी चीज है, वर्क हमारा फटाफट होगा इसमें। एग्जांपल लेते हैं हम कोई भी एक डिजाइन यहां से हम यूज करेंगे, मैंने इसको एक्सप्लोर करा, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करा और ग्रुप कर लिया, कॉपी करा एंड पेस्ट, अगेन कॉपी, क्योंकि वहां पर जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसके बाद वो आइटम हमारा अनग्रुप हो जाता है, दोबारा हमने इसको ग्रुप कर लिया। देन मूव, मैंने बहुत सारी इमेजेस आपको भेजी हैं, उसमें सारे साइज लिखे हुए हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या हम दे सकते हैं, तो मेंशन करने से पहले एक बार उसको रीड कर लेना स्टैंडर्ड, उसके बाद मेंशन करना इसमें क्या हम दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी चीज को मेंशन करने से पहले टेबल लैंप्स मैंने दिया था वहां, टेबल लैंप्स का साइज हम क्या दे सकते हैं स्टैंडर्ड उसमें दिया हुआ है, फ्लो लैंप्स का क्या होता है साइज वो हमने वहां पर मेंशन करा हुआ है, हर चीज की डिटेल्स आपको मैंने सेंड करी है वहां पर, एक बार रीड करना एंड कॉल कॉपी एंड पेस्ट, बिल्कुल डिफरेंट वे में मेंशन करना है। और कुछ और चाहो तो वो भी ले सकते हो, मटेरियल्स वगैरह अगर मेंशन करना चाहो तो, लाइक ठीक है मैंने इसे एक्सप्लोर कर लिया,
एंड डिलीट करके लाइन लेके क्लोज कर लिया। इंपॉर्टेंट रोल बहुत है कैट ब्लॉक का, क्योंकि कैट ब्लॉक अगर नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर सकते, टाइम टेकिंग वाला पार्ट हो जाएगा फिर डिजाइन वगैरह बनाने में, और सबसे ज्यादा टाइम हमारा इसी में जाता है, तो कैट ब्लॉक से हमारा टाइम बच जाता है, बस ये एक बेनिफिट रहता है इसमें। एंड एक्सटेंड ट्रिम एंड ब्लॉक, ब्लॉक नहीं इसको ग्रुप क्रिएट करूंगा, कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि दोबारा भी वो उसको ग्रुप करना पड़ता है, तो उसको मैं सिंपल सेलेक्ट करूंगा और जहां पर मेंशन करना होगा वहां पर मेंशन करूंगा अपने साइज के अकॉर्डिंग, जो आपको कन्वीनियंस लगे इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, उसको मेंशन कर सकते हो, मोर मूव कराना हो मूव करा सकते हो, और मुझे स्पेसिंग पे रखना हो स्पेसिंग भी, क्योंकि फिर इसके लिए हमें एक काम ये करना पड़ेगा, इसको ग्रुप से हम बाहर आके हर एक आइटम को अलग अलग ग्रुप कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेलेक्ट एंड ग्रुप, क्योंकि डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज को बहुत ही सोच समझ के फोकस करना होता है कि कौन सी चीज हम कहाँ पर दे सकते हैं, कैसे मिशन कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड कि आप कैसे चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन, ये भी नहीं कि बस कॉपी करके पेस्ट कर दिया, लोग सोचते हैं कि कॉपी पेस्ट कर दो बहुत खूबसूरत डिजाइन लगना चाहिए, नहीं। अब जैसे कि ये चीज है, अगर हम इसको एक्चुअल में देखें, एक एज्यूम करें अगर हम इस चीज को, तो मुझे ये चीज पता है कि ये ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, मतलब जो चीज फ्रंट में है हम उसको वहां पर नहीं शो करा सकते, उसके बैक एरिया को कैसे, एग्जांपल ये पार्ट नहीं दिखेगा, फिर ये एजेस नहीं दिखेंगे, और इसको देखेंगे तो ये पार्ट हमारा नहीं आएगा। ये होता है छोटी छोटी चीजों को फोकस करना, एंड ये पार्ट नहीं दिखेगा, तो इसको हम इस तरह रिमूव करेंगे, अगेन एंड ऑल्सो दिस पार्ट एंड ट्रिम, इस तरह ये होता है वर्किंग का प्रोसेस, इस तरह हम वर्किंग करते हैं। एक चीज, हर एक चीज को एक सिस्टमेटिक वे में डिजाइन करना, साइजेस के साथ मेंशन करना, कहाँ पर कौन कौन सी चीजें होती हैं या हो सकती हैं उनको बताना। अब क्योंकि ज्यादा चीजें हमें देनी भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा चीजें देंगे तो फिर ऑब्वियसली हमने जो डील करी है, जो बात करी है हमने, जिस बजट में पता चला कि अच्छा बताने के चक्कर में हमने इतना डिजाइन दे दिया, वो कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, मुझे तो बहुत कुछ मिल रहा है इस रेंज में, इसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, डिजाइनिंग करेंगे बनाएंगे उसको जितना अच्छा हो सकता है कि उसको हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे, बट इसके बेसिस पे हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम जो जितना हमने डील करी है उसी रेंज में ज्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे कि मान लो हमारे पास ये चैंडलियर इन्होंने दिया है आर्टिफिशियल, यहाँ पर मेंशन करा, ठीक है, अब हम यहाँ पर कैट ब्लॉक यूज कर लेंगे, कोई भी एक आर्टिकल, मेरे पास मॉडर्न नहीं है, कोई भी लेके काम चला सकते हैं, तो एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, सेलेक्ट एंड स्केल देन मूव मॉडर्न। अगर कोशिश आपको ये करना होगा कि ये कुछ डिजाइंस हैं अवेलेबल होंगे तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं होंगे तो इनका कुछ फ्रंट एलिवेशन क्रिएट करके रख लो। और एक तरीका और है जो बहुत बेस्ट तरीका है जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, उसको हम अभी एक चीज और बताएंगे कि किसी भी चीज को रेफरेंस के थ्रू हम कैसे मेंशन कर सकते, वो चीज हम और एक्सप्लेन करेंगे अभी इसमें। देन कहां पर मेंशन करना है उसको एक सिस्टमेटिक वे में मूव करके मेंशन करो, कुछ इस तरह।
वही चीज है कि जो चीज नहीं दिख सकती मैं उसे भी हटाऊंगा नहीं, मैं बाद में ट्रिम करूंगा जब हमें इसकी जरूरत पड़े। इसको मैंने यहाँ पर साइड दिया, लेकिन अब हमें इसमें एक चीज फ्रंट एलिवेशन पे, यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे तो इस कटिंग का पाल पार्ट वहाँ पर दिया होता है, तो हम वहाँ पर इस कटिंग के पार्ट को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन हम एक काम और भी कर सकते हैं, लाइक जो एक तो वॉल मोल्डिंग होती है, फ्लोर मोल्डिंग, आर्टिफिशियल फ्लोर मोल्डिंग्स भी बहुत आने लगी है मार्केट में, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। बट उनको अगर हम देखेंगे फ्रंट एलिवेशन में, तो फ्रंट एलिवेशन में वो कुछ इस तरह ही शो करेंगे, इस तरह। फिर उसके बाद एक लेयर आएगी, फिर उसके बाद एक लेयर आएगी कुछ ये, तो ये भी हम दे सकते हैं, या हम सिर्फ एक सिंगल लेयर, एक इसको फॉलो कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं बस। बट इसको अगर हम देखेंगे, हम जो गौर से देख रहे हैं इसको, अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो पार्ट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा साइड से, और साइड से अगर वो डिफरेंट होगा तो कैसा नजर आएगा, वो भी हम उसको एज ए डिटेल लेके चलेंगे। यहाँ ये भी पार्ट हम यहाँ पर छोड़ते हैं, उसको हम एज ए डिटेल लेके चलेंगे। इसको भी हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इन दोनों पार्ट को जो एक्स्ट्रा लाइन्स हमारी हैं उनको मैं कलर कर दूंगा डिफरेंट पे, और यहाँ पर ग्रुप कर दूंगा ताकि कब हमें हाइड करना पड़े हमें कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं है सब चीजों। अब इसके बेसिस पे जितना हमारा था पार्ट रिक्वायरमेंट थी, जितनी हमने दे दिया पेशन कर दिया, ये हमारा था एलिवेशन E1। हम उसको बताएंगे यहाँ पर टाइप करके, This one is E1, कि क्लियर हो कि हमने किस पे काम करा है। इसको मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ। अब बात आती है हमारी, पहला काम क्या है, पहला काम सारे एलिवेशन को निकालना। देन E2, E2 हमारा कौन सा है, यहाँ पर हमारा कर्टेंस का पार्ट था, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, लेकिन इस बार हम शॉर्ट ट्रिक लेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या होगी, सबसे पहले जिसका हमें एलिवेशन बनाना है, एक्सेल एंटर वी एंटर सेम वही चीज, एंड पॉइंट्स को मेंशन करा, कहां पर कौन सी चीज किस ऑब्जेक्ट को हमें मेंशन करना है उसको मैंने निकाल लिया, ठीक है। विंडो का साइज काफी बड़ा है तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया था। अब हमें को पता है कि जो लेवल हम लेके चलेंगे वो सेम ही होगा, दिस वन स्लैब सीलिंग थिकनेस सेम, फिनिश फ्लोर इसका लेवल, टाइल्स कोई भी जो हम फ्लोर फिनिश लेंगे वो। हुआ क्या कि जैसे ही मैंने इसको हटाया मेरे पास आ गया फाइनल एलिवेशन, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर दिया मैंने इनके, और यहां पर हम आते हैं इनको भी हम ट्रिम कर देंगे, एंड दिस कौन सी चीज नहीं रखनी है, क्या हटाना है उसको भी फाइनल करके निकाल। ये हो गया हमारा काम करने का तरीका, बार बार एक्सेल लेने से कोई फायदा नहीं होगा। इमेज को मैं यहां पे लाता हूं साइड में और उसको एक बार देख लेता हूं। विंडो का लेवल लॉन्ग है हमारी, फुल आपको ये दी हुई है, फुल वॉल में कवर करी गई है, ठीक है। अकॉर्डिंग हम मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस वन एंड टॉप हाइट, ज्यादा इतना मॉडर्न नहीं देना है क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग एक काम करेंगे, अपने जो वर्किंग है उसी के बेसिस पे लेके चलेंगे। एंड ट्रिम ज्वाइन करेंगे इसको भी, और डिजाइन को गौर से देखेंगे इस वाले को। ठीक है, पार्टीशंस नहीं है तो अब ऑलमोस्ट साइड वाली वॉल पे हमें कुछ नहीं मिलेगा देखने को, सिर्फ ये कर्टन्स की रॉड वगैरह दिए, कर्टन्स मेंशन करा गया है, ग्लास हमारा दिया हुआ है, लेकिन कर्टन्स वगैरह
इम्पोर्टेंट है मेंशन करना, तो आपके पास मॉडल होना चाहिए। तो कोई भी एक मॉडल अपना कॉपी पेस्ट कर लो अपने ड्राइंग में और पहले उसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लो एंड स्केल करो। पॉइंट आर फर्स्ट सेकेंड पॉइंट, पॉइंट पे क्लिक करके कहाँ तक दिया हुआ है, हम सीलिंग की बात करें तो सीलिंग से थोड़ा सा डाउन है, तो मैं थोड़ा सा डाउन लेके यहाँ से मैच करा दूंगा लेवल को। मूव कराओ, अभी सिर्फ मैं सिंपल मैनुअली मेंशन करूंगा, बाद में इसको हम देंगे डिटेल्स में। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल ये ले लिया। हर एक पार्ट बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। कुछ गैप है उसके बाद फिर मेंशन करा गया है, तो ये चीज टाइम टेकिंग है। या तो आपके पास होना चाहिए डिजाइन वगैरह, ये आप पहले से बना के रख लेते हैं, दोनों चीजें हैं। या तो आप इसी को एडिट करना चाहो, आप इसी को एडिट कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि टाइम इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये पार्ट देखा जाए तो, अगर आप नहीं भी करोगे कवर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 3D सॉफ्टवेयर में इसको ऑलरेडी वहां पर मेंशन कर देंगे, तो भी कोई इशू नहीं है वहाँ। 3D सॉफ्टवेयर में इसीलिए क्लाइंट को दिया जाता है ताकि वो समझ सके कि हाँ क्या चीज बनाई है हमने। सेम चीज हर एक पार्ट को क्लोज एरिया लेके चलना है ताकि बाद में हैचिंग्स वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। इसके साथ हमारे पास इस एलिवेशन में कुछ नहीं आएगा। दिस वन इज टू, इसी को मैंने रोटेट करा एंड एक बॉल थर्ड एलिवेशन पे हम आ गए, दिस वन। और मुझे पता है कि इस वाले केस में भी हमें क्या करना होगा, एक्सेलेंट वी, और हमारी ये वॉल बिल्कुल प्लेन है, इसको हम यहाँ पर सिंपल सिर्फ वॉल लेके चलेंगे और बाकी सारी चीजों को हम यहाँ पर एक रेफरेंस लेके चलेंगे। इस तरह से हम वर्किंग को फास्ट कर सकते हैं और फटाफट चीजों को निकाल सकते हैं, टाइम कम लगेगा। बस क्या बचेगा मेरा काम, सिर्फ ओवरऑल डिटेलिंग करना, एन एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम एंड दिस वन एंड दिस। ये साइड्स की जो रेफरेंस लाइन है इनको मैं रिमूव करूंगा और अपनी ड्राइंग को फाइनल करूंगा, दिस वन एंड दिस। वॉल हमारी फ्रंट है, कुछ इसमें डिजाइन नहीं है, उस कंडीशन में आपको एक काम तय करना होगा, लेकिन ऐसे नहीं मेंशन करना है, वही चीज मैं कहूंगा, ऐसे नहीं मेंशन करना है। मतलब एक आइडिया ले रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुछ डिफरेंट करना होगा, एंड दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दी लाइक रिक्वायरमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, वो भी हमें देखना पड़ेगी। ये भी नहीं कि हम अपने मन से जो चाहें बस डेकोर करते चले आ रहे हैं, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया, लेकिन वो बाद में वो बढ़िया के चक्कर में हमें अपनी जेब से ही लगाना पड़ेगा। ये भी जब ये चीज़ें देखना पड़ेगा, इनको भी नोटिस करना पड़ेगा हर एक चीज़ को। क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट, आप कर सकते हो सिंपल वॉल होनी चाहिए तथा कॉस्ट नहीं जानी चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। मैं इसी की बात कर रहा था, वॉल को हम लोग डेकोर कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह आर्टिफिशियल लाइट के साथ में दे सकते हैं, लाइक दिस वन, लाइक हमारी चारकोल शीट्स हमारी यहाँ पर यूज करी गई है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, इन सब को बहुत ही सोच समझ के काम करा जाएगा कि कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक आइडिया क्या लिया कि मैंने एक लिमिट ले ली, एक लिमिट ले ली कि एक स्पेसिफिक एरिया ले लिया, हम ये कह सकते हैं कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, कुछ गैप छोड़ देता हूँ, अगर हम उसकी वॉल को डेकोर करेंगे, कॉस्ट अगर हमारे पास कम है, मान लो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, तो हम वहां पर अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए इंटीरियर डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ठीक है अगर हम उसको वहां पर उसकी बात को हम नहीं काट सकते हैं, बट अगर वो चाह रहा है कि हम कुछ इसको एक्स्ट्रा वहां पर दें
डिजाइन वगैरह ऐड करे तो वहां पर हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी किस तरह, वो आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने वहां पर एक काम करा, मैं इसे कॉपी कर लेता, एयर एंटर द नंबर ऑफ आइटम ही इज आस्किंग लाइक, मैंने कहा अप्रॉक्स 20 एंड फिट एंड नाउ जस्ट मेंशन द पॉइंट। दिस वन सेकेंड वॉल हमारी आती है, ये हमारा क्या हुआ, एक लिमिट ले लिया। अब हम इस वॉल पे क्या कर सकते हैं, इस वॉल की अगर हम बात करें तो इसको हम लाइक कुछ भी दे सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पर दे सकते हैं, ये भी आपके पास होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है, नंबर ऑफ आइटम्स अगर आपके पास नहीं, फोटो फ्रेम मेंशन कर सकते हैं। साइज कम कॉस्ट में चीजों को कैसे मैनेज करा जाए। अगेन कोई भी चीज ऐसे आप मेंशन नहीं कर सकते, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। ये हमको पता होना चाहिए कि हम जो देने जा रहे हैं वो हो सकता है कि हमें को देना पड़ जाए अपनी पॉकेट से, ये भी सोचना पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के हर एक चीज को करा जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, और मैं इसको एज ए रेफरेंस के लिए यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट एंड मैं इसी को ग्रुप कराऊंगा और मूव करा दूंगा दिस पॉइंट एंड कॉपी एंड दिस पॉइंट, ताकि वो हम खाली स्पेस ना छोड़ें। बहुत सारे लोग डिजाइन बनाते हैं तो बस क्या सोचते हैं कि वो यही सोचते हैं कि बस आप जो आपका मन करे आप वो उसको मेंशन करते चले जाओ। वहां पर हम एक आर्टिफिशियल लाइट्स भी दे सकते हैं, लाइक वॉल लैम्प जो फिक्स हमारे होते हैं उनको भी हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं, बट वही चीज है कि आपके पास कैड ब्लॉक की लाइब्रेरी होना मस्त। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हमारे पास होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर ब्लॉक का यूज तो होता है लेकिन उसको कभी कभी क्या 90% हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होगा। हम मेंशन तो कर देते हैं लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग भी चेक करना पड़ जाता है। अब एग्जांपल, अगर मैं इसी को यूज करना चाहूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी को अगर यूज करना चाहूँ लाइक, अगर हम एक बात ये भी है कि हम उसको अगर फोकस लाइट देना चाहें वहाँ पर, वो भी हम ऐड करा सकते हैं, दोनों चीज़ें। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और हर चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक, मैंने भी कहा था आप कोई भी चीज़ ऐसे मेंशन नहीं कर सकते, आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम जो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है उसका लुक। इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ पर हम जब कहते हैं, जब हम 3D डिजाइंस पे काम करते हैं, इसीलिए इसका यूज़ यहाँ पर आता है, उसका यूज़ यहाँ पर इसीलिए आता है, लोग 3D सॉफ्टवेयर पे इसीलिए काम करते हैं ताकि उसका जो एक्चुअल पार्ट है, जो व्यू है वो हमें मिल जाए, उसी के बेसिस पे चेंजेस हम कर सकते हैं वहाँ पर। नाउ दिस वन इज स्कर्टिंग का पार्ट, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा था, मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं कॉपी करूँगा इस पार्ट को और पेस्ट कर दूंगा यहाँ, इसको मैं अनग्रुप करूँगा एंड चेंज, इसको मैं दोबारा से हर एक पार्ट को ग्रुप करके चलना है एंड ग्रुप, दिस वन इज E3। एंड लास्ट में हम आते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक इसको अगर मैं यहाँ पर रोटेट कराऊंगा, वही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है, लाइक द लिमिट ऑफ द वॉल एंड एक स्पेसिफिक साइज कितने पे काम करना है। इससे क्या हुआ, हमें एक आइडिया मिल जाता है, बार बार हमें ऑफसेट वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, सेक्शन एंड दिस सेक्शन फ्रेम एंड ट्रिम एक्स्ट्रा लाइंस टॉप ताकि फाइनल स्केच हमारे पास आ जाए एंड डिलीट। क्या क्या चीज हम वहां पर शो करेंगे,
मेरे पास कुछ ये ऑब्जेक्ट्स आ गया, ठीक है, इनको हम ले लेते हैं। ये हो गया हमारा स्पेसिफिक साइज, ये हमने यहाँ पर डोर को मेंशन कर, वही चीज हाइब्रिड डालो सबको ज्वाइन करते हुए चलने के, ताकि ऑप्शन वगैरह करने में दिक्कत ना हो। और अगेन ग्रुप एंड मैं इसको सेलेक्ट करके SC एंटर करूंगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स और कंडीशन हमारी चेंज होगी, मुझे पता है, क्योंकि स्केल में प्रॉब्लम्स एक आती है, वो कॉमन है, एंड वो है हमारा साइज। इसको देखते हैं कितना डिफरेंस आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस हमें यहाँ पर फेस करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीजें हमें चेंज करना पड़ जाएंगी। इसको मैं ग्रुप करके रख लेता हूँ, सिंपल। अब बात आती है हमारी किसकी, जो हमने यहाँ पर दिया है टीवी यूनिट का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये है। इसको हम जब मेंशन करेंगे उसको भी हम पहले से डिसाइड करेंगे। हम एक काम और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक स्पेसिफिक एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं भी ले लेगा थोड़ा सा छोड़ दे, और एक्स्ट्रा पार्ट यहां से ट्रिम कर दूंगा और डिलीट। हमको ये डिजाइन करना है, और इसके लिए भी आप क्या करोगे, आप पहले से डिस्कस करोगे, या आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो, क्योंकि हर चीज नहीं पूछी जाती है, क्योंकि वो बाहर की बात है, वो लो कॉस्ट बजट में ज्यादा महंगी चीजें बताता है। वहां पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें एक कोई भी चीज अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, लाइक अगर टीवी यूनिट सिंपल दे रहे हैं, तो जैसा ऑब्वियसली जैसा प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी उसके हिसाब से हमें मेंशन करना पड़ता है। ये चीज सिंपल, एक चीज का बहुत ध्यान रखना, क्या चीज देना चाहते हो वो आप अपना खुद का एक रेफरेंस ले सकते हो। लाइक ज्यादा हैवी हमें नहीं देना है, एक बहुत ही लाइट मॉडल हमें वहां पर यूज करना है। हमें यहाँ पर कोई भी एक डिजाइन चूज कर लिया कि हाँ हम वहां पर सिंपल सा वहां पर डिजाइन दे सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, सिंपल है, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने वहां पर क्या करा कि डायरेक्टली मैं इसे अपनी फाइल में ले आता, तो मैंने सेलेक्ट करा एंड ड्रैग, ताकि इसको एज ए रेफरेंस भी हम वहां पर शो करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें साइजेस लेके चलना है, ठीक है। हम अप्रॉक्स यहाँ पर 10 इंच ये लेके चलेंगे, ट्रिम एंड ट्रिम, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। उसके बाद हाइट लेके चलेंगे हम एंट्री, हाइट वगैरह अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ये बॉटम से हाइट कितनी रखनी है, लाइक स्कर्टिंग वाले पोर्शन पर शो कराना है, स्कर्टिंग से ऊपर तक वो भी ले सकते हो, कोई इसमें वो इशू नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि साइजेस हमें क्या क्या रखने चाहिए। साइजेस चेंज होते रहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है, जैसा स्पेस होता है, जैसा एरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं। ट्रिम एंड ट्रिम एंड एक हाइट ले लो अपने अकॉर्डिंग, और कहाँ पर ले जाना है वहाँ पर एक आप क्या करोगे कि जो साइज होते हैं उन साइजेस को वहाँ पर ले लो। 30 लाइक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, या इससे बड़ा भी अगर हमें चाहिए होगा तो भी हम उसी की बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे एंड डिलीट। इस वॉल को हम डेकोर कर सकते हैं ऑब्वियसली, सेलेक्ट एंड जॉइन एंड थिकनेस, दिस सेक्शन अगेन जॉइन एंड थिकनेस। मैं इतना खुद का एक इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला था मैं खुद का एक दूंगा डिजाइन यहाँ पर। एक्सप्लोर, मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, एक सेंटर लाइन लूंगा, और यहाँ पर हम देखते हैं कितने कितने के निकाल सकते हैं पार्टीशंस। Draw
एंड थिकनेस एंड फ्रेम, ऊपर का हॉलो रहेगा, इसको मैं यहाँ पर हॉलो रखूंगा, इसको मैं यहाँ पर क्लोज करके शो कराऊंगा। सेम चीज थिकनेस, इसको भी हम यहाँ पर क्लोज ही शो कराएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। वॉल डेकोर कर सकते हैं, लिमिट है हमारी लास्ट वाली, जो हमारे बॉटम में यहाँ पर हमने दी है ड्रॉर, यहाँ पर इसकी लास्ट लिमिट है कि हम सिर्फ काम कर सकते हैं तो इस लेवल तक। यहाँ पर हम कोई भी चारकोल लोवर्स वगैरह कोई भी एक मटेरियल दे सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है इन्होंने, यहाँ पर एक टोन मटेरियल दिया है हमारा, लाइक जो चारकोल शीट्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में, वो उन्होंने यहाँ पर यूज करी गई है और प्लस लोवर्स को ऐड करा गया। वही चीज एक लिमिट लो और कॉपी करो, पहले एक स्पेसिफिक साइज ले लो, साइज वगैरह कहाँ पर कितने होने चाहिए मैं दे चुका हूँ कैटलॉग, उस पर मेंशन होगा। और आप जरूरी नहीं है, कंफ्यूज मत हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं भी साइज नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये चीज चलेगी। लिमिट हमारी जहां तक आ रही है वहीं तक, अगेन सेलेक्ट एंड कॉपी करो इस पॉइंट, और इस वॉल तक हम इसको नहीं दे सकते हैं, तो हम ये जरूर कोशिश कर सकते हैं कि हमारा वहां पर डोर आ रहा है, तो थोड़ा सा पार्ट अगर देना चाहो, कवर करना चाहो तो कवर कर सकते हो इतने एरिया तक, ताकि इसको लुक खराब ना हो। साइज को हम छोटा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, साइज को हम यहाँ पर चाहे तो हम इसको और स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन इतना जो मैंने दिया है वो इनफ है, ये स्टैंडर्ड के बेसिस पे सही है, और 24 ये ठीक है। इसमें भी हम एक काम करेंगे, मैंने यहाँ पर इसको क्लोज करके रखा है, मैंने यहाँ पर एक काम क्या करा, इसको मैंने एक्सप्लोर कर लिया, और आपने देखा होगा इसके बाहर भी एक फ्रेम, एक बोर्ड यहाँ पर यूज करा जाता है, ताकि उसके चारों तरफ हम लोग लाइट्स वगैरह दे सकें, तो वो भी हम डेकोर कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एफ एंटर आर एंटर जीरो, दिस सेक्शन एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, सिंपल। लो कॉस्ट में बेस्ट चीज मेंशन करना, ये बेस्ट है। उन्होंने वॉल में फिक्स दिखाया है, मैं वॉल में फिक्स नहीं दिखाता, कुछ चीजें होती हैं जो डिपेंड करती हैं। मैं थोड़ा सा एक काम क्या करूंगा, मैं डिफरेंट कर दूंगा इसको, कैसे, एक पॉइंट ये पॉइंट लिया एंड दिस वन, ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ज्वाइन एंड कॉपी, बिल्कुल डिफरेंट चीज। और में हमने जो दिया था कटिंग का पार्ट, वो हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, बट इतना चीज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। एलिवेशंस 4, 1, 2, 3 एंड 4 ये हमने यहाँ पर ऐड करा दिया। इस तरह हम लोग बेसिक जो चीज जहां पर है उसी का नाम मेंशन करना है, E2, दिस वन इज E2 एंड दिस वन इज E4, ये E3 है हमारा, एंड और दिस वन इज E4, ये हो गया हमारा इस तरह वर्किंग करने का प्रोसेस। हम सेलेक्ट करेंगे और अपनी शीट में वापस आ जाएंगे, इसके बाद हम डिटेलिंग का काम इसमें स्टार्ट करेंगे, और इसी का जिस तरह हमने प्लान का रेंडर प्लान दिया है, इसी तरह हमें इसका भी देना होता है रेंडर प्लान, कि वहां पर एक्चुअल मटेरियल क्या क्या नजर आ रहा है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिटेलिंग। इतना बताओ